बताने जा रहा हूँ कि PHP माई एडमिन उबंटू सर्वर में कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे उसका सेटअप करते हैं। तो आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए और जैसा मैं आपको हमेशा से बता रहा हूँ कि मेरे जो भी कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यदि डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए, मैं डाल दूँगा। जो कहीं वीडियो में भूल गया हूँ तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा मैं आपको डेली बता रहा हूँ कि ये मेरा सर्वर है, लिनक्स सर्वर। ये देखिए, ये मेरा लिनक्स सर्वर है और ये मैंने पुट्टी से कनेक्ट किया है वर्चुअल बॉक्स पे है। ये वर्चुअल बॉक्स पे देखो, ये मैंने पुट्टी से कनेक्ट किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्टॉल अपाचे, तो sudo apt-get update पासवर्ड। और दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड लोग हैं जिनको यूज होता है, इनको काम आता है। अभी ये देखो मैसेज आया तो इसका भी बता देता हूँ। 14 पैकेजेज कैन बी अपग्रेड, तो आप यहाँ पे टाइप कीजिए sudo 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 apt अपग्रेड। YSS कीजिए, कोई पैकेज अपग्रेड होना रहेगा, मतलब हो रहेगा तो भी आपको ये कमांड टाइप करोगे तो सब हो जाएगा। भी 124 MB का है, तो जब तक वीडियो डाउनलोड इंस्टॉल होता है, अपडेट होता है, तो मैं वीडियो पोज करता हूँ। और दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी बता देता हूँ कि मैंने उबंटू सर्वर पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और उबंटू ये डेस्कटॉप में भी बनाए हैं, विंडोज सर्वर पर बनाए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो बहुत से मेरे वीडियो मिल जाएंगे आपको। हर प्लेलिस्ट, हर टाइप का प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं ट्राई करूँगा कि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँ। ये देखिए हो गया डाउनलोड, अभी इंस्टॉल हो रहा है। देखिए सब ये अपडेटेड हो रहा है। तो अब ऐसा भी मैसेज आए तो अब मैं जैसे कुछ कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ या कुछ मैसेज आ रहा है तो उसका भी उस वीडियो में सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो गाइज वो भी कंटिन्यू देखते रहिए, अब वीडियो को स्किप कर दोगे तो पता नहीं चलेगा क्या किया है, तो कंटिन्यू देखना। ये हो गया, अभी नेक्स्ट कमांड अपना sudo apt install apache 2। apache 2 बोले 0 अपग्रेड 0, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा है, इसके लिए मैसेज आया। यदि इंस्टॉल नहीं किया रहेगा तो आपका इंस्टॉल होगा। इसके बाद आपको ये apache के सर्विस स्टॉप स्टार्ट इनेबल तो चाहिए, तो मैं ये कमांड टाइप करता हूँ। यहाँ पे स्टेटस देखना है तो स्टेटस देख सकते हो आप। स्टेटस की स्पेलिंग गलत टाइप की है सर, फ्रेंड गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। ये आपका देखो sudo सिस्टम अपन, तो अभी अपन चेक कर लेते हैं अभी ब्राउजर में कि हो रहा है कि नहीं। ब्राउजर में चेक करने के लिए अपने को IP लोकल होस्ट तो इधर चलेगा ना, टर्मिनल है तो IP फाइंड करना है। तो ip config पता नहीं हो तो ये देखिए 1.4, तो डोर गाइस मैं यहाँ पे जाता हूँ http://192.168.1.4। ये देखो सक्सेस द वर्चुअल होस्ट, ये मेरा
अपाची वर्किंग हो रहा है, चल रहा है। अब स्टेप टू, इंस्टॉल मारिया डीबी। अभी मारिया डीबी इंस्टॉल करना है तो सुडो एपीडीगेट इंस्टॉल मारिया डीबी क्लाइंट, सर्वर एंड क्लाइंट। देखो मारिया डीबी सर्वर और मारिया डीबी क्लाइंट। वाई एस यस कीजिए। ये भी डाउनलोड करेगा तो आपका नेट का स्पीड के ऊपर डिपेंड है कितना स्पीड से ये डाउनलोड होएगा। देखिए 1 मिनट 9 सेकंड कुछ तो बता रहा है। ये देखो मारिया डीबी सर्वर कोर 10 ये डाउनलोड हो गया। अभी इंस्टॉलेशन हो रहा है। देखिए सर्विसेज वगैरह सब सेट कर दिया अपने आप और ये हो गया। अभी नेक्स्ट इनेबल करना है। जब भी सिस्टम रिस्टार्ट करो तो ये सर्विस ऑटोमेटिक स्टार्ट होना चाहिए, तो ये कमांड टाइप कर दीजिए और ये भी अपाची वाला भी टाइप कर दीजिए। जब भी मशीन रिस्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिक चालू हो जाना चाहिए। नेक्स्ट ये स्टार्ट वाला भी सर्विस टाइप कर देते हैं। अभी ये सिक्योर इंस्टॉलेशन सुडो MySQL सिक्योर इंस्टॉलेशन। योर करंट पासवर्ड फॉर रूट जस्ट प्रेस द इंटर। यहाँ पे सिर्फ इंटर प्रेस कर दो। सेट रूट पासवर्ड अभी देखिए सेट रूट पासवर्ड यस कीजिए। न्यू पासवर्ड रिमूव एनिमस यूजर यस कर दीजिए। डिसलो रूट लोगे रिमोटली, रिमोटली लॉगिन कीजिए। भी देखो डिसलो रूट यस कर दीजिए या नो करना है तो नो कर दीजिए। मैं यस करता हूँ क्योंकि रिमोटली लॉगिन आपको रूट से करना है तो यस नो कर दीजिए, नहीं करना है तो यस कर दीजिए। मैं नो करता हूँ। रिमूव टेस्ट डेटाबेस एक्सेस इट यस कर दीजिए। रीलोड प्रोविजन यस कर दीजिए। ये हो गया, यहाँ पे नो कर दीजिए। अभी रिस्टार्ट कीजिए मारिया डीबी का सुडो सिस्टम रिस्टार्ट मारिया डीबी सर्विस हो गया। अभी आपको सुडो MySQL ये आ गया आपका मारिया डीबी। मारिया डीबी आने के बाद यूज MySQL, MySQL आ गया। अभी अपडेट सेट प्लगइन यूजर रूट कीजिए, फिर ये टाइप कीजिए और अभी एग्जिट कीजिए। अभी सुडो सिस्टम मारिया डीबी रिस्टार्ट कीजिए। अभी नेक्स्ट ये टाइप कीजिए। एंटर पासवर्ड मारिया डीबी नन आ गया, एनी एरर नहीं है, एनी एरर कुछ आया नहीं। मैं करो ये कमांड टाइप करने पर कोई भी एरर आता है तो आपको ये सब कमांड टाइप करना पड़ेगा। तो अपने पास कोई एरर नहीं आया था, ये कमांड टाइप किया था। अभी नेक्स्ट अपने को ये कमांड टाइप करना है। ओके अभी इंस्टॉल पीएचपी इंस्टॉल करने के रन कमांड बिलो अपग्रेड ये सुडो एपीडी गेट इंस्टॉल सॉफ्टवेयर कॉमन ये कमांड टाइप कीजिए। पहले इसको एग्जिट कर दीजिए, गेट कंट्रोल कंट्रोल सी कर दीजिए। अभी ये कमांड टाइप कीजिए।
ये भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। इसके लिए आपको 0 न्यू इंस्टॉल 0 अपग्रेड हो रहा है, कोई नहीं आपको करना है। इंटर कीजिए। इसके बाद सुडो एपीडीगेट अपडेट, नेक्स्ट एंड टू कमांड बिलो। पीएचपी इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड टाइप करना भी, ये इतना बड़ा कमांड है, देखना याद करने पे भी याद नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सब डाल देता हूँ, क्योंकि टाइप करने के लिए भी बहुत टाइम जाता है। एंटर कीजिए, वाई कीजिए, इंस्टॉलेशन हो गया पीएचपी का। इंस्टॉलेशन होने के बाद ये कमांड, और ये कमांड में क्या करना है, कुछ एडिट करना है। ये देख, फाइल अपलोड ऑन करना है, ये सब पूरा टाइम डेट जोन ये सब चेंज करना है। तो ये आपको नीचे नीचे मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पे एशिया कोलकाता को पेस्ट कर देता हूँ। ये टाइप कर दिया, ये फाइल में आपको सब ये चेंज करना है। ये चेंज करने के बाद पीएचपी माई एडमिन इंस्टॉल करना है। सुडो एपीडीगेट इंस्टॉल पीएचपी माई एडमिन YSS, ये स्क्रीन आएगा तो गाइस आपको अपाचे टू सेलेक्ट करना है, इंटर करना है। हाँ, ये कॉन्फ़िग डेस्कटॉप में कॉन्फ़िग डॉट कॉमन ये आएगा तो आपको क्या, अदरवाइज यहाँ पे नो करना है। हो गया डन। अभी नेक्स्ट, तो जी एडिट नहीं काम करता है यहाँ पे, तो नैनो टाइप कीजिए। को इस फाइल के अंत में ऐड करना है, तो आ जाइए लास्ट में। अगर कंट्रोल वी कीजिए, कंट्रोल वी नहीं चलता है, आप माउस से ये करोगे। अभी कंट्रोल एक्स कीजिए, वाई कीजिए, इंटर कीजिए। इसके बाद अपाचे टू को रिस्टार्ट कीजिए। पासवर्ड टाइप कीजिए, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट, कोई ये लोकल होस्ट तो है नहीं अपने पास, यहाँ पे आईपी डालिए और पीएचपी माई एडमिन डालिए। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देखो, ये टाइप तो किए या इसके आगे पीएचपी माई एडमिन। ये देखिए आ गया। मैं यहाँ पे रूट डालिए और यहाँ पे पासवर्ड डालिए, गो। ये देखिए अपाचे अपना हो गया है, पीएचपी माई एडमिन सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। तो गाइस देखिए, अभी अभी आगे नेक्स्ट, डेटाबेस बनाना है, न्यू करना है,